एक और सवाल है सिद्धांत और श्रद्धा आप दोनों के लिए, घर में ही क्रिटिक्स है, पापा से क्या रिव्यू मिला आप दोनों को ही ट्रेलर को लेकर? He is the biggest critic. घर पे सबसे मतलब पूरी दुनिया में हम दोनों के लिए एक ही क्रिटिक है, वो है हमारे पिताजी. हमारी माँ हर चीज़ के लिए वेरी गुड बोलती है. डैड वेरी गुड बोलना बहुत मुश्किल है. बट आफ्टर ही सॉ द टीज़र ही ओनली सेड वन थिंग, हिट है. वो इट्स वेरी रेयर टू फॉर हिम टू से हिट है बिकॉज ही इज बीन सो एक्सपीरियंस्ड, यू नो. सो आई गेस वी आर सेफ विद आवर डैड्स जजमेंट आफ्टर द टीज़र एंड द ट्रेनर. आई मीन बहुत अच्छा लगता है जब आपके डैड ये कहते हैं एंड उम्मीद है कि सबको भी वैसा ही लगे एंड वी रियली होप दैट पीपल गो एंड वॉच द फिल्म. बट आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड कि मैं अपने भाई के साथ पहली बार बड़े पर्दे पे नजर आने वाली हूँ, तो इट्स आई कॉन्ट एक्सप्लेन हाउ अमेजिंग द फीलिंग इज. एंड ऑल थैंक्स टू अप्पू सर कि उन्हें लगा कि हम दोनों एक साथ कास्ट हो सकते हैं, तो थैंक यू सो मच अप्पू सर. थैंक यू सर. क्योंकि आई थिंक कि इतिहास में बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटीज मिलती है फॉर अ रियल ब्रदर एंड सिस्टर टू कम ऑन द बिग स्क्रीन एंड हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली, तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग. हाई, मेघा हियर फ्रॉम रिपब्लिक टीवी. माय क्वेश्चन इज फॉर अपूर्वा सर. सर, वाज श्रद्धा योर फर्स्ट चॉइस फॉर दिस मूवी? एक्चुअली फर्स्ट वी अप्रोच सोनाक्षी एंड वी आवर फिल्म केप्ट गेटिंग डिलेड बिकॉज़ जॉन हैड गॉट injured during the shooting of Force. And won't be able to comment. Next question, please. Hi, Shraddha. This is Hello. Hi, how are you? Good, how are you? Fine. Shraddha, सब जानते हैं कि दाऊद एक ग्लोबल टेररिस्ट है. उसकी दाऊद की जो कहानी है ऑलमोस्ट सभी को पता है, एटलीस्ट डिटेल में नहीं पता होगी लेकिन ऊपरी तौर पर पता होगी, लेकिन हसीना पारकर के बारे में लोगों को इतना नहीं पता. जब आपके पास ये ऑफर आया था तो क्या एकदम से आपने एक्सेप्ट कर लिया, क्या आपके मन में एप्रिहेंशन था कि यू कांट सी योरसेल्फ कि नहीं ये मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड एक किरदार है, एक रियल कैरेक्टर है, तो क्या अप्रोच था आपका, किस तरह की तैयारी आपने की इसके लिए? जब अबू सर ने मुझे जब चिंतन ने स्क्रिप्ट नरेट किया अबू सर के साथ, मैं एक्चुअली आई डोंट नो कि अगर आपको ट्रेलर से पता लगा कि इस जैसे मैंने पहले भी कहा था हसीना के लाइफ में क्या क्या हुआ, उस पर क्या क्या बीती, तो एंड इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी, तो एक जब एक रियल लाइफ किरदार पर ऐसी कहानी है जहाँ पे यू नो इट्स अ फुल जर्नी फ्रॉम हर बीइंग अ लिटिल गर्ल टू बीइंग अ मदर ऑफ फोर चिल्ड्रन, तो वो जो आई मीन इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन, इतनी सिवाय उसमें जो कुछ भी बीती थी, यू नो दैट इज समथिंग दैट रियली रियली उससे मैं बहुत इंटरेस्टेड हो गई हसीना पारकर की कहानी में. और मुझे लगा कि ये बहुत मैं उस चैलेंज से थोड़ी घबराई हुई भी थी, लेकिन पहले ही दिन से अप्पू सर बहुत मतलब He said, you can do it, you can do it. मैंने उनसे कहा, I love the story, I love the script and I mean, what this woman has gone through so much and he said, you can do it. And उनका confidence देख के I felt कि okay, if my director feels I can do it, then I have to trust him. And फिर that's how it happened. श्रद्धा, आपको सर के दोनों के लिए सवाल है कि हिंदी सिनेमा में जब भी गैंगस्टर की फिल्में बनती हैं, गैंगस्टर बेस्ड फिल्में जो बनती हैं, तो अमूमन ऐसा होता है कि वो कहीं ना कहीं गैंगस्टर को ग्लोरीफाई करती है या जो बैकड्रॉप है उसे ग्लोरीफाई करती है, ऐसा अक्सर हिंदी सिनेमा में देखा गया है, तो उसे अवॉइड करने क्या इस फिल्म में उसको अवॉइड करने की आपने कुछ खास कोशिश की है कि उसे ग्लोरीफाई ना किया जाए, जैसे हालात में बस उसे दिखाया गया वैसे? सर, आपने ट्रेलर देखा, आपको लगा कि मैंने कहीं भी ग्लोरीफाई किया है किसी को भी? लेकिन क्या होता है सर कि जो जब यह किसी लाइव पर्सन के बारे में आप पिक्चर बना रहे हो, जिसकी फैमिली है, जिसके भाई बहन अभी भी जिंदा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टिक टू द मैक्सिमम रिसर्च यू कैन डू एज अ फिल्म मेकर. नाउ एज अ फिल्म मेकर आई टू टेक बोथ पॉइंट्स ऑफ व्यू. मैंने पुलिस का भी व्यू लिया था, मैंने जो उनकी फैमिली से उनके रिश्तेदारों से सुना था वो भी व्यू लिया था,
जो क्राइम रिकॉर्ड्स जो पुलिस स्टेशन में है वो ली थी हमने,